जिस तरह से पर्दाफाश हुआ UK SSSC का घोटाले का, जिस तरह की वहां पे भर्ती में धांधली थी, उसी तरह से विधानसभा की लिस्ट निकल के आ रही है। रोज एक नई लिस्ट निकल के आती है, कोई कहता है उसके कार्यकाल में हुआ, कोई कहता है उसके कार्यकाल में हुआ। तो ये गेंद जो भाजपा कांग्रेस के बीच में उछालने की कोशिश करी जा रही है, वो भाजपा को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि भाजपा का ये दूसरा कार्यकाल है, पिछली ही सरकार चली आ रही है। मगर त्रिवेंद्र सिंह रावत को देखिए, वो आते हैं कहते हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल और गोविंद सिंह कुजवाल जो बात कहते हैं उसको, उसमें उनको सीख दे रहे हैं। भाई आप बताइए ना, TSR1 आप क्या कर रहे थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आप मुख्यमंत्री थे 4 साल, मगर आप सोते रहे, आपको नहीं लगा कि कोई कार्यवाही करने की जरूरत है, कोई एक्शन लेने की जरूरत है? या ये तब तक पता नहीं था आप कहेंगे, या आप कहेंगे नहीं नहीं मैंने तो आंखों में पट्टी बांध रखी थी, मुझे पता चल नहीं रहा था। तो सच्चाई ये है कि जो हमारे युवाओं के साथ गलत हुआ है उसके खिलाफ आपको भी आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप इस लिस्ट को देखें तो हद ही की लिस्ट है। 2000 से अब तक की लिस्ट में आप देखेंगे तो नारायण दत्त तिवारी के भी जानने वाले आ जाते हैं, अजय भट्ट जी के भी जानने वाले आ जाते हैं, महेंद्र भट्ट जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, उनके भी छोटे भाई, उनकी नियुक्ति हो जाती है। मेयर सुनील उनियाल गामा की पत्नी आ जाती है, जो मेयर है देहरादून के, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल की भतीजी आ जाती है, भगत सिंह कोश्यारी जी का भतीजा भी आ जाता है, भतीजी भी आ जाती है, बताइए हद है या नहीं। मुन्ना सिंह चौहान जी का भतीजा आ जाता है, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का भांजा आ जाता है, अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री जो थे नित्यानंद स्वामी जी उनका भतीजा आ जाता है, UKT के पूर्व विधायक दिवाकर भट्ट का बेहद करीबी आ जाता है, सुबोध उनियाल जी का सगा साला आ जाता है। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं, चाहे सुरवीर सिंह सुजवान हो, या मनोहर कांत ध्यानी की बेटी हो, या स्वर्गीय प्रकाश पंत का साला हो, सहदीप सिंह पुंडीर का भांजा हो, या स्वर्गीय प्रकाश पंत का चचेरा भाई हो, स्वर्गीय इंदिरा हृदेश जी का निजी सचिव तथा सचिवालय के वरिष्ठ कार्मिक के पुत्र हो, ये क्या चल रहा है उत्तराखंड में? इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। किसी का भी करीबी हो, मंजूर नहीं है उत्तराखंड को। ये नौकरियां उत्तराखंड के नौजवानों की है, इसलिए इसमें जांच होनी चाहिए, और जिसने भी गलत किया है उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।